अगर आपका डॉग किसी को काटता नहीं है, फिर भी कुछ जगहों पे उनको मसल पहनाना बहुत जरूरी होता है, खासकर कि जब आप उन्हें वेट के पास लेके जाते हैं। अगर वो आराम से मसल पहनना सीख जाता है, तब उसे बार बार मसल पहनते वक्त स्ट्रेस नहीं होगा। मेरा नाम जो है और मैं पीपल फार्म में एनिमल वेलफेयर मैनेजर हूँ। ये चिली है और मैं आज इसे मसल पहनना सिखाऊंगी। शुरुआत में मैं उसके पसंदीदा ट्रीट्स के साथ उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगी। अगर आपके डॉग को ट्रीट्स में दिलचस्पी नहीं है, तो आप ध्यान रखें कि आप ये ट्रेनिंग उसके खाने के समय के पहले करें, जब उसे भूख लग रही हो। जब आपका डॉग आपकी ओर ध्यान देने लगे, तब आप अपना मजल लीजिए। इस ट्रेनिंग के लिए मैं थोड़े बड़े मजल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके अंदर इसका मुँह आसानी से जा सके। अब मैं इसका फेवरेट ट्रीट मजल के एकदम अंदर डालूंगी, जहाँ पे उसका नाक जाएगा। फिर मैं इसको ये दूंगी और उसको दिखाऊंगी कि ट्रीट मजल के अंदर है। ये ट्रीट को बाहर से भी खाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक वो मजल के अंदर अपना मुंह डाल के ट्रीट नहीं ले लेता है, आप कोशिश करते रहिए। अब मैं ये बार बार दोहराती रहूंगी, जब तक उसे मजल के अंदर अपने मुंह डालने की आदत ना हो जाए। इस प्रक्रिया को हड़बड़ी में ना करें, हम बस चाहते हैं कि आपका डॉग मजल के साथ कंफर्टेबल हो जाए। अब मैं ये चिली के साथ एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करती रहूंगी। एक हफ्ते बाद इस हफ्ते हम अगला कदम लेंगे। मैं इस बार भी मजल लूंगी, उसके अंदर ट्रीट डालूंगी और फिर चिली को ऑफर करूंगी। अगर मजल के सामने थोड़ी सी खुली जगह है, तो आप वहां से भी उसे ट्रीट दे सकते हैं। आप उसी जगह से उसे ट्रीट्स लगातार देते रहे, ताकि उसका मुंह मजल के अंदर ही रहे। इस बार जब वो ट्रीट्स खा रहा है, तब मैं उसके मजल का पट्टा लगाऊंगी, फिर मैं इसे दोहराऊंगी। इससे वो मजल का पट्टा लगाने के बाद भी कंफर्टेबल रहेगा। जब मैं इसका पट्टा लगा रही हूँ, तब भी मैं उसे ट्रीट्स देती रहूंगी, इस तरह उसे पट्टे की आदत हो जाएगी। एक हफ्ते की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद आप देख सकते हैं कि मजल के साथ चिली कितना कंफर्टेबल हो गया है। अभी इसको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके डॉग को यहाँ तक के स्टेप्स की पूरी तरह आदत हो गई है, तब हम अगले स्टेप पर जाएंगे। कुछ खाना तैयार रखें, अपने डॉग का मुंह मजल के अंदर डालें और पट्टे को बंद करें। अब आपके डॉग ने मजल पहना हुआ है। मैं मजल को तुरंत निकाल दूंगी, ताकि वो ज्यादा घबराए ना। मैंने मजल को बहुत ही ढीले तरीके से बांधा है। मैं पट्टे को कस के नहीं बांध रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बेचैन हो जाए। अब आपके डॉग ने मजल पहनने का दूसरा पड़ाव सीख लिया है। एक हफ्ते बाद इस हफ्ते हम मजल को पूरी तरह बंद करके पहना के रखेंगे। इतनी प्रैक्टिस करने के कारण मेरे मजल का स्ट्रैप ही टूट गया, इसलिए मैंने गॉज का इस्तेमाल किया है। पहले हम हल्का वार्म अप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, चिली अभी मजल के साथ काफी कंफर्टेबल हो गया है। मैंने अब इसके साइज का मजल ले लिया है। शुरुआत में मैं पट्टे को लूज रखूंगी और जैसे जैसे वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, मैं पट्टे को टाइट करती रहूंगी। मैं एक हाथ में ट्रीट्स लूंगी और दूसरे हाथ में मजल पकड़ूंगी और मजल के बीच में से मैं उसे लगातार ट्रीट्स खिलाती रहूंगी। मैं ये कोशिश करूंगी कि उसका ध्यान सिर्फ खाने की ओर बना रहे। अब मैं मजल के पट्टे को बंद कर दूंगी और फिर भी उसे लगातार ट्रीट्स देती रहूंगी, ताकि उसका ध्यान सिर्फ खाने की ओर बना रहे। चिली बहुत ही बढ़िया कर रहा है। चिली ने पहली बार इतने समय के लिए मजल पहना है, और वो तो मजल के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ ट्रीट्स के बारे में सोच रहा है। ट्रीट्स खत्म होने के बाद उसके बेचैन होने से पहले ही आप उसका मजल उतार दीजिए। मजल उतारने के बाद मैं उसे रिवॉर्ड करने के लिए ट्रीट्स दूंगी। इसे दोहराते रहिए और मजल पहनने का समय भी बढ़ाते रहे। याद रखिए, शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करें। कुछ समय के बाद आपका डॉग एकदम आराम से मसल पहन के घूमेगा।
इन तीन आसान स्टेप से आप अपने डॉग को आराम से मजल पहनाना सिखा सकते हैं। अपने डॉग को पूरे दिन या बिना किसी देखरेख के मजल ना पहनाएं। मजल पहने उसे अकेला कभी मत छोड़िए। अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका डॉग किसी को काट सकता है, तो आप उसे कुछ घंटों तक मजल पहना सकते हैं। You can leave the muzzle on while you're out and about for a few hours. अपने डॉग को बिना किसी कारण मजल पहनाना एक क्रूरता है। Or when you're leaving them without anybody watching them. The most important thing is to make sure. सबसे जरूरी बात यह है कि आप सही मजल चुनें। अगर आपके कुत्ते का मजल इतना टाइट है कि वो अपना मुंह नहीं खोल पा रहा या हाफ नहीं पा रहा, तो आप इसे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही पहनाए रखें। For more than a few minutes at a time. मेरा पसंदीदा बास्केट टाइप मजल है बास्कविल नाम के कंपनी का, जो अमेज़न पे भी अवेलेबल है। अगर आपको इस प्रक्रिया के बारे में कोई प्रश्न है तो इन्हें आप कमेंट्स में पूछिए, मैं इनके जवाब आपको जल्द से जल्द दूंगी।